सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में की दिल दा हाल सुनावा की दिल दा हाल सुनावा मैं तकदी जावा मेरिया रवा मेहरमा दिला दिया मॉर्निंग कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं जोरदार तालियां और हम वेलकम करेंगे डॉक्टर बिल्कीस के लिए बिल्कीस आपा के लिए और साथ में हकीम रजा इलाही क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली की आपकी बॉडी को एक हरारत पहुंचाता है जिससे आप कुव्वत मुदाफियत बढ़ाते हैं जिससे आप सर्दी से लड़ सकते हैं स्किन के लिए तो बहुत बेहतरीन है भाजी मैं ना बहुत परेशान हूँ अपनी एक्ने की वजह से ना मेरा बेटा जो है जी जी तीन ईयर्स का है और उसको है ना बे मतलब हम जरा सा भी टच करते ना उसको खुजली हो जाती है समय बनफ्शा के पत्ते जैसे प्रेशर अर्टिकेरिया बास को मैंने सिर्फ कहा कि आप बनफ्शा रात को भिगोएं सुबह आप पी लें ठीक अल्लाह के हुक्म से उनसे उनको फर्क पड़ गया और दादा ताली में वेलकम करेंगे डॉक्टर ईसा को मूंगफली में प्रोटीन कैल्शियम विटामिन ई विटामिन बी वन और फास्फोरस शामिल हैं। एक बहुत आसान सी रेसिपी है इसमें दो चीजें हैं बस तीसरी तो डालनी नहीं नीम की निमोली आप एक चम्मच ले लें और इसका छिलका जलाया हुआ कोयला बनाया हुआ एक चम्मच इन दोनों को मिला के बराबर वजन पीस के रख लें बस रेसिपी तैयार है डॉक्टर ईसा का जादू आपने देखा मौसम बदल दिया दिमागी ताकत के लिए ये बेहतरीन हिकमत की दुनिया में ब्रह्मी बोटी जो सर्दियाँ आती है स्किन आपकी बड़ी फट रही होती है ईरानी गुलाब oh, wow. स्पेनिश जैस्मिन हम घर के अंदर बहुत ही चंद पैसों के अंदर बहुत अच्छा स्क्रब बना wow. सकते हैं hmm. wow. प्रॉपर उसका स्क्रब आपके पैरों के लिए और हाथ के लिए बनता है ड्रामा वो जो बरसों तक याद रहा किरदार वो जो जहनों पर नकूश हो गया लाठी चलाने आया था मैं तुझे इसका मजा चखाऊंगी 90 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा सीरियल एनक वाला जिनके किरदारों से कौन वाकिफ नहीं अच्छा हम तुम मेरा हेयर ब्रश पकड़ो ठीक है मैं यूं गई और यूं आई नस्तूर जिन जकूटा हामून जादूगर और बिल बतौड़ी के किरदारों ने जहनों में अनमट नक्कूश छोड़े इसलिए मैं कहता था कि चुड़ैल नहीं तो डैड है मेरी प्यारी बहन है शादिया पा लिया बच्चे जिनों और जादूगरों की कहानियों पर मुश्तमिल इस कॉमेडी ड्रामा सीरियल को बहुत शौक से देखते थे जो एक तिलिस्माती दुनिया की मुकम्मल अक्कासी करता था इस ड्रामे का सबसे मशहूर और हर दिल अजीज किरदार नुसरत आरा उर्फ बिल बतौड़ी को लोग आज तक नहीं भूले झूठ बोले कौवा काटे तोता तोप चलाए तो फिर बंदर गाना गाए जब बंदर गाना गाए तो फिर चिड़िया दाना लाए जब चिड़िया दाना लाए तो फिर और कोई ना आए पर बदकिस्मती से मुआशरे की बेहिसी का ये अदाकारा भी हुई शिकार अदाकारा नुसरत आरा फालिज का शिकार हुई जिसके बायस उनकी बाई टांग मुतासिर हुई जिसके बाद उनके माली हालात खराब से खराब तर होते गए और आजकल वो कस्मा पुरसी की जिंदगी बसर कर रही हैं। माली हालत से तंग और बेसरो सामानी के बायस भीख मांगने पर मजबूर हो गई हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए मजारों पर मिलने वाले लंगर पर गुजारा कर रही हैं। हमारे लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली बिल बतौड़ी हकीकी जिंदगी में इंतहाई दुख और मुश्किल के दिन काट रही हैं। मेरे पास से बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता कुछ करो प्लीज कुछ करो यह माँग मेरे घर पर मरोड़ है मेरे पुत्र के घर हम उनमें नहीं बचेंगे नहीं मैं बिल बतौड़ी नहीं तू नहीं बनेगी बिल बतौड़ी तू नहीं बनेगी
सुबह सवेरे समा के साथ में आज हम मिलवा रहे हैं नुसरत आरा उर्फ बिल बतौड़ी से, जानते हैं उनके हालात उनकी अपनी जबानी। आज हम लाहौर के इलाके समनाबाद में मौजूद हैं और इस इलाके में हम पाकिस्तान की उस नामवर आर्टिस्ट के घर पर मौजूद हैं जिसकी बातों से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी बचपन की मेमोरीज जो हैं इनकी बातों से मुबर रहा हूँ। इनका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर मैं अपने बचपन में नज़र दौड़ाऊँ तो एक ड्रामा ऐसा था जिसमें इनका किरदार तो एक चुड़ैल का था, लेकिन बच्चों के लिए ये चुड़ैल किसी परी से कम नहीं थी, क्योंकि बच्चे इनसे मोहब्बत करते थे, बच्चे इनसे प्यार करते थे, बच्चे इनकी एक्टिंग से महसूस होते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी एक नस्ल को जो कि जवान अब हो चुकी है उसको एंटरटेन करने में, और आगे कई आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर छोड़ दिया जो हमारे जहनों में और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। लेकिन उनको रिटर्न में क्या मिला? एक बड़ी आर्टिस्ट, एक बड़ी नामवर आर्टिस्ट आज मज़ारों पे जाके लंगर खाने पे मजबूर है, आज बीमार है, आज अलील है, अपना इलाज कराने हस्पताल में अगर है तो उसके पास हस्पताल की फ़ीस भरने को पैसे नहीं है। मैं बात करी नुसरत आरा को, जिसको हम सब लोग जानते हैं बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी के नाम से। ज़िंदगी ने एक टाइम तक मिठास इनकी ज़िंदगी में डाली, लेकिन उसके बाद अपना कौड़ा मिजाज इनकी ज़िंदगी पे छोड़ दिया। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे नुसरत आरा से। हमने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट की, वो हॉस्पिटल में थी, वो थोड़ी देर के लिए अपने घर पर यहाँ पर आई हैं, हम घर में आपसे मुलाकात कराएंगे। और जहाँ हम अपने प्यारों की बात करते हैं तो अपने गम को सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ एक, और इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पाकिस्तान के नामवर सुपरस्टार जो खुद जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री से आगाज़ किया और उसके बाद फिल्मों में धूम मचा दी, और शायद ही कोई पाकिस्तान का ऐसा बच्चा और कोई ऐसा हो कि जो इनको ना जानता हो, पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बायसे फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। हमारे साथ अफसल खान, हमारे साथ जॉन रेमो साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अफसल खान साहब हमारे साथ हैं, और अफसल खान साहब जैसे ताकि किसी ओकेजन पे, किसी अच्छे शो में, किसी हंसने हंसाने वाले शो में आपसे मुलाकात हो, लेकिन क्या करें कि जब हमारे मुल्क में एक ऐसा टफ टाइम आता है कि हम जब अगर इकट्ठे भी हुए हैं, आपसे मुलाकात भी हुई है, तो इस कॉज की वजह से हुई है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बस आज समा ने और आपने याद किया। और ज़ाहिर बात ऐसी है कि आर्टिस्ट हमारे यहाँ बस बदकिस्मती से चंद एक्टर ही हैं जिनका बुढ़ापा जो है वो संभरता है, बाकी ज़्यादातर अगर आप देखें तो 90% जब से हमने होश संभाला है या उससे पहले भी सुनते चले आ रहे हैं कि आखिरत जो है वो बुढ़ापा जो है आर्टिस्ट का अच्छा नहीं होता। और आज हम भी एक ऐसी आर्टिस्ट के पास जो 74 से काम कर रही हैं शायद, बिल्कुल और इतने अरसे से काम करती आ रही हैं और आके एक ड्रामे में हिट हुई और इतनी हिट हुई कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनका नाम है, और आज उनके पास, उनको मुझे ये पता चला है कि उनको पैसों का इतना प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त, काम की ज़रूरत थी, काम ना मिलने की वजह से वो जल्दी डिप्रेस होकर बीमार हो गई हैं और आज इस पोजीशन में है कि हम उनके घर में चल के आना पड़ा, हम उन्हें अपने स्टूडियो नहीं बुला सके। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हम आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे, तो आ जाइए जी आप भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, आ जाइए, हम आपको लिए चलते हैं उनके घर पर। और ऊपर एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर वो बहुत अरसे से मुकीम है, यहाँ पर अकेली रहती हैं, और यही वो घर है जहाँ पर वो इंतज़ार करती हैं दिनों का कि शायद अभी भी कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए कि चीज़ें उनकी ज़िंदगी की बेहतर हो जाएं। ये छोटा सा कमरा है, मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन आपको ये कमरा दिखाएं। इस छोटे से कमरे में अफजल साहब हमारे साथ, हमारी नुसरत आरा आपा जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं, खसूसी तौर पर ये हॉस्पिटल से सिर्फ इसलिए ताकि इनकी आपसे मुलाकात हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं तरह जाऊँ, अजीत आप इसको तरह जाइए। अजीत आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब के आने से ना मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिली, समाज चैनल की मैं मशहूर हूँ और अपने कुलीग साथियों की
थैंक यू, ये तो बहुत दिल से काम भी किया, बस अल्लाह का शुक्र है। मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप से प्यार करना चाहिए सबसे पहले, कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम ना किसी का भला कर सकते हैं ना अपना ही भला कर सकते हैं, अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं सेहत अच्छी हो तो, बंदों को भी उसके, जब बंदे हमें तो कुछ तो इसको मताजिन वाली ज़िंदगी नहीं अच्छी, ऐसी मजदूर की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। बाबा हम आपके पास इसीलिए आए हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि लोग जिनको और स्पेशली इतनी एज ओवर लेके जो उनके जो भी नौजवानों के सारे उन्होंने अपने बचपन हर एक ने माँ बाप को, क्योंकि ये वो कैरेक्टर्स थे जो कि हमेशा जहनों पे जिनका नक्श जो है वो पड़ सकता नकूश छोड़ चुके हैं, जैसे बिल बतौड़ी का कैरेक्टर था। और रेमो साहब इतने बड़े जो हमारे पास कैरेक्टर्स जो कि हमारे लिए लेजेंड हैं, जब हम उनको देखते हैं कि हमारे मुल्क में लेजेंड ऐसे, ये अगर हाल होता है, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन मैं क्या करूं कि ये, मैं अगर ये कहूं ना कि रुल गए हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारा एक लेजेंड जाके मज़ारों पे जाके लंगर खाए, क्योंकि उसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं कि जो वो खा सके। इस छोटे से कमरे में जहाँ पर 6 फुट का बंदा, हमें भी अंदर एंटर होते साथ ही सर झुकना पड़ा, हमें अपना सर झुका के यहाँ पे अंदर आना पड़ा। 6 फुट का बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, ये छत देख लें आप, छोटा सा कमरा है। अच्छा नुसदा, और हालांकि जी मैं आपसे काम तो मैंने बड़ा करा है लेकिन पैसे मुझे नहीं मिले। आप पैसे बहुत कम, मुझे काउंसिल से भी साल में एक चेक मिलता है 10-15 हज़ार का, वो भी जुल्फी साहब के पास जाती हूँ, झूठ बोल बीमार भी होती हूँ, नहीं भी होती कभी कभी बेटा का कहीं एक ही मरतबा दे दे जो देना है, तो ऐसे इंटरनेशनल फकीर नाना बना। नहीं हमने सुना था कि साहब ने शबाज साहब ने अनाउंस किए हैं पैसे जी, अनाउंस किए लेकिन अभी तक मेरे पास कितने अनाउंस किए? 10 लाख। 10 लाख रुपए जी, तो बड़े अफसोस की बात है जी, जब हमारे वजीर आला साहब ने अनाउंस कर दिए हैं, और अगर कोई सुन रहा है जिस तक ये आवाज़ जाए तो उन तक भी शायद ये बात पहुंच जाए कि जी आपने अनाउंस किया था सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप आर्ट लवर हैं, आप आर्टिस्टों से प्यार करते रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप तक ये बात शायद नहीं पहुंची कि आपने ऑर्डर कर दिए थे लेकिन आगे जो लोग थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी उन्होंने अभी तक पूरी नहीं की, तो आपको पूछना चाहिए उनसे। उनका कोई नुमाइंदा भी मेरे पास नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं नहीं कोई नुमाइंदा उनका नहीं आया, मैंने सुना ही है, बस सुने हैं कि मेरे मुझे पड़ोसियों ने बताया कि आप तो अमीर हो गई, मैं बैंक में गई तो बैंक वालों ने कहा कि अमीर हो गई आप, यानी कि सब लोगों को पता चल गया तो मुझे नहीं पता। हाँ मैंने कहा अल्लाह करे कि मैं हो गई, मैंने कहा मैं वैसे अमीर तो हूँ, मेरे हाथ पाँव तो सलामत है, मैंने कहा ये सबसे बड़ी दौलत तो यही है। हाँ। सबसे बड़ी गरीब तो वो लोग हैं जिनके पास हाथ भी नहीं है पाँव भी नहीं है, वो कैसे जिंदगी बसर करेंगे। मैंने कहा मैं तो अमीर हूँ अल्लाह का शुक्र, कहने लगे नहीं नहीं तुम्हें 10 लाख का ना अनाउंस कर दिया है मियाँ साहब ने। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है उनकी हुकूमत में हमें वजीफे भी मिल रहे हैं थोड़ी बहुत जितनी भी हम। अच्छा आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल में ये जो अलमरा है या ड्रामे होते हैं जी जी, 16 दिन का ड्रामा होता है जी जी बिल्कुल, और उसमें इतवार को 2 शो भी होते हैं, लेकिन 16वां दिन जो है ना उसके पैसे काउंसिल के पास होते हैं, और वो इसीलिए रखे जाते हैं कि आर्टिस्टों को बुढ़ापे में जब काम हो, जब किसी का ऑपरेशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको दिए जाते हैं। 2-3 मरतबा मैंने काउंसिल से पैसे लिए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा चेक मेरा 20,000 का था, इससे ज्यादा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और 20,000 का चेक इतने सालों से काउंसिल में ड्रामे हो रहे हैं, और 16वां शो जो है वो काउंसिल रख लेती है, उसमें से 20,000 का चेक, कभी 10 का 20,000 10 का 15 का, बिजली के बिल पूरे नहीं होते, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने साथ ये तो हुआ है, काम मैंने बड़ा करा है, सबके साथ किया है काम, मेरे से बहुत अच्छा आपका करा मेरा भी आपको पता नहीं याद नहीं है, एक सिटकॉम में हमने एक एपिसोड किया था जी जी, हाँ जी हमने इकट्ठे किया था, लेकिन पैसे बहुत कम, वो कहते नुसरत तारा क्या है, नुसरत तारा कूड़ा है क्रिकेट है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भी तो दिल चाहता कुछ अच्छा खाना खाने के लिए। मुस्तफा चले, मैं चाहूंगी कि आप हमारे बहुत मुझे आप आया तो मेरे लिए इतना कर देंगे, मुझे मैं इस घर में से शिफ्ट हो जाऊँ अपने घर में, मुझे वज़ीर आला साहब 1-2 कमरों का घर दे दें, ये देख लें ये घर कैसा, इसमें वैसे ही दिल घबराता है, गर्मी हो तब सर्दी हो तब,
ये बस मुझे ठिकाना दे दे रहने के लिए, अल्लाह वास्ते अल्लाह के नाम पे दे दे मुझे घर कोई दे दे मुझे किसी से दर बदर ना। मेरी सबसे ज़्यादा खौफ यही होता है जब पहली आने वाली होती है कि अब खाली करवा लेंगे, लेकिन मालिक मुजान खाली में तीन साहब हैं DSP, उन्होंने कहा था जब तक तुम्हारा दिल चाहता है रो तो 6,000 रुपया किराया कर दिया, लेकिन अब वो लोग सब चले गए जो नीचे कोई डॉक्टर थे कोई वकील थे, अब बेचारे मेरे जैसे आ गए और वो बराबर का मेरे से हिस्सा लेते हैं, सुई गैस का भी, पानी का भी, बिजली का भी। वो थे तो वो ज़रा सा मेरा रद्दो बदल हो जाती थी, थोड़ा पैसे बच जाते थे, अब तो कोई चांस नहीं है। तो आप मुझे चले बताएं कि कब आपका सफ़र शुरू हुआ है और एक इतना अच्छा आपका आगाज़ था और अब आके इतना बुरा हाल। बस पता नहीं क्या बात है, शायद मेरी गलती कोई थी जो अल्लाह पाक को नहीं पसंद आई। मैं तो अपने आप को दोष दूंगी कहाँ कहाँ से हम गलतियाँ कर देते हैं, और कुछ नहीं तो किसी पत्थर को जानवर को पत्थर मार देते तो उसका भी तो दिल दुखता होगा ना। हमें अपनी गलती की याद नहीं रहती। मैं तो बस अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह तेरी मखलूक को, किसी का मखलूक में मैंने दिल दुखा दिया या किसी जानवर का, तो मुझे अल्लाह माफ़ फरमा दे, मुझे माफ़ी के सिवा कुछ नहीं आता। अब मैं जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको बता दूँ कि सिर्फ बिल बतौड़ी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो नुसरत आपा ने निभाया था, इससे काफ़ी अरसे पहले नुसरत आपा 70 से काम शुरू किया था। अलीफ लैला 1.5 साल किया, अशफाक साहब के पुराने ड्रामे देख लें ब्लैक एंड वाइट में, कहीं ना कहीं मैं नज़र आऊँगी। उज़्मा आपा और समीना अहमद साहब सबके साथ काम करा है, तो अब उन्होंने मुझे क्यों भुला दिया, ये तो माशाल्लाह सब साहिब हैसियत हैं। मुझे कभी कभार बुला ले, मेरे आने से बेइज्जती होती ड्रामे की। कुछ लोग ये समझते हैं कि उसको रख लिया तो ड्रामे की टेम्पो तो नहीं गिरती ड्रामे, बस कुछ ऐसा है। मैंने काम तो बहुत ज़्यादा किया, सब ने अच्छा अच्छा काम, निसार साहब एक नाम था डायरेक्टर हमारे PTV के थे, मोहम्मद निसार हुसैन। हाँ जी, मैं भी जिनका जिक्र कर रहा हूँ, MNS साहब, क्या बात है, बहुत काम। यावर साहब ने उन्हीं की इजाद, यावर साहब ने जो झोंक सियाल किया था, मेरा पहला ड्रामा झोंक सियाल था, 3 किस्तों में बहुत अच्छा अच्छा किरदार दिया था यावर साहब ने, और रिहर्सलें पूरी, मुझे एहसास नहीं होने दिया था कि मैं इसमें कोई, मेरा 3 किस्तों में रोल है। वो कहते थे आप बस इस, बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिखाया मुझे अली बे पे सिखाया, और इरफान साहब ने मुझे रोज की जुबान सिखाई, डॉक्टर अनवर सजाद साहब ने कि नहीं लाल खाला आज भी करेक्टर याद है, हाई जंप ने सबके साथ। इरफान साहब कहते मेरे तुम्हें, मैं तो तुम्हें आर्टिस्ट हूँ, मैं तुम मेरी फेवरेट हो, मैंने तुम्हें वैसे पैसे नहीं देने, काम करवाऊँगा तो तुम्हें पैसे, और वो देते हैं पैसे मुझे, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं डॉक्टर अनवर सजाद साहब, बाकी सब अच्छे हैं बहुत ही, मैं क्यों कहूँ, अपने अपने उसकी हिसाब होती है। मैं कोई सायरा बानो तो नहीं हूँ कि हर ड्रामे में मुझे रखें, मैं तो ये तवज्जो कि मेरी सबसे बड़ी पीछे रहने की वजह ये कि मेरी थोड़ी बहुत फाइट होती थी प्यासों पे, प्यासे मुझे बहुत कम, तो मैं जज्बात में आ जाती थी, मैं बस इसलिए बड़ी परेशान थी, इसलिए मैं सबकी नज़रों में बुरी बनी हूँ कि वो पैसों के लिए बड़ा तंग थी, मेरे घर में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। काम बंदा किस लिए करता है, पैसों के लिए करता है बस, बेटा मेरे से ये गलती है, मैं पैसे मांगती थी बस उनसे, PTV पे भी तो आपको हक बनता है, काम करे तो TV पे भी ऐसे दरवाजे बंद होंगे कि भी उसको नहीं बंद, उसको ना लेना, वो तो पैसों के लिए मर ही जाती है, मेरा चेक कब बनेगा, मेरा चेक कब बनेगा, और चेक अब जब हाथ में आ जाता है तो जब 1,000 का हो जाना ऊपर हो जाए, मैं मुझे बहुत बड़ा चेक मिला गया, बहुत खुश होती थी 1,000 रुपये के साथ। नुसरत आपा मुझे ये बताएं, अच्छा बहुत सारे लोग जब हम शो कर रहे थे और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा तो लोग ये बात कर रहे थे कि इन्होंने इतना अच्छा, इतना एक रोशन दौर गुजारा है और ये इतने पीक पे थी तो उन्होंने तब पैसे इकट्ठे क्यों नहीं किए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर मैं अभी नुसरत आपा में खुद भी बताएंगी कि इनको चेक ही कितना, आप सोचें बिल बतौड़ी का कितना बड़ा रोल था, लेकिन आपको चेक इतने कम पैसों में मिलता था कि बाकी आर्टिस्ट को हज़ारों में मिल जाता था और ये सिर्फ 400-300 तक इनको चेक मिलता था। नुसरत आपा तो आपको जो पहला चेक उसका मिला तो आपने कभी उस पर भी नहीं बात की कि या फिर खातून थी या खातून को चेक कम दिए जाते थे, 400 का चेक मिलता था, 700 कुछ ऊपर रुपये होते थे, 700 कुछ रुपए, हाँ कुछ रुपया ऊपर, और अगर आपको 500 का भी चेक मिला ना तो उस पर भी टैक्स कटता था, तो टैक्स ऐसे मुल्कों में दी, पूरी दुनिया में दिया जाता है, हर बंदा देता है, हम भी देते हैं, और एक्टर तो पहले टैक्स कटता है फिर चेक आता है, तो अब इन्होंने जितना काम भी किया वहाँ भी टैक्स कटा है, तो बुढ़ापे में तो कुछ ना कुछ सहारा होना चाहिए ना, टैक्स इसीलिए दिया जाता है कि जी बुढ़ापे में वापस मिलेगा, मेरा ये सहारा होगा, मियाँ साहब मेरे पर करम कर दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब वो क्या है,
शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला, वजीर आजम वो मुझे एक घर दे दें। मैंने भी बड़े छक्के मारे हैं अपनी अपने काम में, हर कोई छक्के मारता है। हाँ सही बात है। हमने इसमें छक्के मार ली भाई, हमें भी दे दें, हमारा भी तो कुछ। जब बिलावल साहब ने भाई बुलाया था वजीर आला हाउस में, इतनी कर्नल साहब जी है ना, गवर्नर हाउस है, गवर्नर साहब उस दौर के जो थे, उन्होंने मेरे साथ स्पेशली तस्वीरें मेरी बनवाई आज से 12 साल पहले कि नहीं, मेरी बिल बतौड़ी के साथ मेरी तस्वीर बनाई। और उसके बाद तो कुछ करो ना बिल बतौड़ी के वास्ते, एक घर थे तो माशाल्लाह से एक घर मांगती हूँ मैं, एक दो कमरों का घर बस। हाँ मुझे जिंदगी की, ताकि कोई मुझे निकाल ना सके। निकलना तो है दुनिया तो छोड़ के जाने, ये सराय है, ये खूबसूरत दलदल है, इसको छोड़ने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन जाना तो है हमने। बस ये है कि मुझे घर मिल जाए, कोई मुझे धक्के दे के ना निकाले, मुझे हर वक्त यही रहता है। एक मरतबा तो मैं इतना रोई तो मैं परेशानी होगी, मैंने कहा हाई पहली आ गई तो वो DSP साहब है ना खालिद मुद्दीन, वो कहने लगे आपका जब तक दिल चाहता ना आप रहें, अब मेरी अम्मी आपसे प्यार करती है, मेरी अम्मी बूढ़ी है तो आपको कोई नहीं निकालेगा। लोग भी यहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं, लोग तो करते हैं जिन जिनको पता है। उन्होंने कहा था नहीं आपसे कोई घर खाली नहीं करवाएगा, लेकिन अब वो बस ये घर ऐसा या मरम्मत नहीं करवा सकते। मुझे ये बताएं कि दरबारों पे जाने की नौबत क्यों आई? दरबारों पे जाने की ये नौबत आई थी कि जब बयानक वाला जिन ख़त्म हुआ ना, तो उन्होंने कहा था बस अब इसका दिमाग ठीक करना, हमारे अपने जोन से थे कि ये दिमाग मेरा सातवें आसमान पे चला गया था। यार मैं पैसे मांगूँ तो वो कहते ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, नरगिस समझ रही है या ये क्या सारा बानो समझ रही है, मुझे ऐसे कहते हैं। आपका बिल बतौड़ी एनएफएल हाँ, जिन खत्म हुआ था उसके बाद से मैंने जाना शुरू किया था। अपने अपने टीम के लोगों ने कहा कि बस अपने टीम के बस अपने सब सभी बीच में थे, बस ये नहीं मैं कहती, लेकिन मैं वाकई उस वक्त अपने आप को नरगिस सारा बानो समझती थी। मैंने जो बन गई थी तो मैंने कहा था हाँ तो मैं तो हूँ, तो सही बिल बतौड़ी तो हूँ ना मैं, ये बस मेरी ज़ाहिरा वो बहुत इतना हिट करेक्टर इतना ज़्यादा है। और उसके बाद फिर ऐसा कॉलर्स भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कारी, अब तो सितार बात कर रहा हूँ डहर की सुबह सिंह से। जी डहर की से बात करें अब्दुल सितार साहब। जी मेरी बहन मैं तो जी अस्सलाम वालेकुम सितार साहब, आप देख रहे हैं कि जी मेरी बहन मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, और थोड़ा सा दिल दुख रहा है कि ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कहाँ है, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जिन्होंने सर्वे किए वो मेरी इस प्यारी बहन नुसरत आरा तक क्यों नहीं पहुँच सके। और ये मेरी बहन मैं तो आपके तवस्सुत से ये अर्जी कर सकता हूँ, और हम खुद भी इनके लिए कुछ करेंगे, मेरी जबानी काल नहीं है, कि देखें ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ये सारे मंसूबे अच्छे हैं, हम कदर करते हैं, लेकिन मेरी बहन नुसरत आरा के पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो मेरी बहन हम सुबह सिंध में बैठे हुए देख रहे लोगों को अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। और मैं नुसरत आरा को कहना चाहूंगा, मेरी बहन आपने जो किरदार अदा किए, लोगों के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट बखेरी, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुस्कुराहट बखेरना भी सदका जारिया है। मेरी बहन आप मुतमईन रहें, अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा, मुझ गुनाहगार की आवाज ऐसे लोगों तक पहुंची होगी जो आर्ट काउंसिल के नाम पे खाना खाते हैं, जो इन इन लोगों का हक खुदा के लिए इन तक पहुंचाओ, तब मेट्रो अच्छी लगेगी, ऑरेंज लाइन अच्छी लगेगी। और ये मेरा भाई जो मुस्कुरा रहा है नौजवान, मैं इसके लिए बहुत सी दुआएं करता हूँ, यहाँ तक समा पहुंची है, अल्लाह ताला समा के ये जो कैमरे के पीछे है कैमरे के आगे है, ये है असल खिदमत, ये है मीडिया। एक हाजिरी पे कोई सियासतदान जाता है सारे के सारे उसके पीछे दौड़ते हैं। मेरी बहन मैं आपको दिल की गहराइयों से खराज पेश करता हूँ। नुसरत आरा आपका इंशाल्लाह आने वाला कल कोई नहीं करेगा तो ये सम्मा की टीम जरूर करेगी, मेरा दिल गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे मेरी बहन। बहुत शुक्रिया अब्दुल सितार भाई आपकी आपकी कॉल का, और अल्लाह करे तमाम लोगों की ऐसी सोच और हुकाम बाला की भी सोच और अप्रोच सोच रही हो जो आपकी है। एक और कॉल के साथ मेरे घर तक आए, गरीब खाने तक आए। नहीं नहीं वो तो हमारा फर्ज बनता है, हम तो इकट्ठे काम करते रहे हैं, आप हमारी सीनियर हैं, और समा को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने हम दोनों को यहाँ भेजा है। आपके सदके मेरी आवाज़ वजीर आला तक, वजीर आजम तक पहुंच जाए कि बस मैं एक घर मांगती हूँ, बस सुन लो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा एनएफएल कॉलेज हमारे साथ, बस मुझे एक घर मिल जाए। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे? मिस मैं ये ना कहना चाह रहा हूँ कि अपना इनका अकाउंट नंबर दर्ज करें। अकाउंट नंबर? इनका अकाउंट नंबर? आपका कोई अकाउंट नंबर है? जी ठीक है, आपको हमारा अकाउंट नंबर पीसीआर से भी मिल जाएगा और इनका अकाउंट नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने दीवार पे भी लिखा हुआ है, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। सो इनका अकाउंट नंबर हमारे पीसीआर से भी आपको मिल जाएगा खालिद साहब। आप वो टिकर चला देना। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें टिकर भी चला देते हैं कि इनका अकाउंट नंबर जो है वो आप लोग देख सकें। और बहुत सारे लोग जो कि चाहते हैं कि वो अगर कोई नेकी भी करें तो लोगों को ना पता चले, क्योंकि कहा ही जाता है कि एक अगर एक हाथ से ज़कात दो या एक हाथ से सदका दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। नहीं पता ना चले तो ज़्यादा बेहतर है, अगर पता चल भी जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि दूसरों को थोड़ा सा मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बता के भी दे सकते हैं। नेक के काम, नेकी का काम छुप के किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर बता दिया जाए तो कोई बात नहीं। और आपके जो छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ डोनेट करना चाहें तो अगर आप 100 से भी शुरू करेंगे तो इवन 100 मैटर, 100 भी मैटर करता है। अगर हुकामे बाला नहीं सुनते तो ये हमारी नुसरत आपा, ये हमारी बिल बतौड़ी है जिनका ख्याल हमने रखना है। कहीं मजा आई छोटी सी ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और हम हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी एक ऐसी, मैं बार बार कहती हूँ वो इस वजह से कहती हूँ क्योंकि जितनी बार कहूँ कम है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर उन्होंने ऐसा निभाया था कि इनकी जो असल नाम असल शख्सियत थी वो काफ़ी पीछे रह गई, लेकिन हमारे जहनों पे नकोश वही बिल बतौड़ी है जो कि बचपन के हमारे ड्रामों में आती थी और इनके बारे में कहा जाता था बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अधी मिठी अधी कौड़ी अधी कोड़ी अधी कोड़ी कोड़ी मतलब कड़वी। हाँ कड़वी। और हमारे साथ, मैं तो खैर क्योंकि हमारे साथ बैठी हुई है तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ बिल बतौड़ी जी एक बार आप भी अपने कि लोग आपको जब आप जरा वो याद हो जाए, बच्चे लोगों को याद हो जाए, लोगों को पता चले कि जिस जुमले के हम दीवाने थे, जिनके हम सुन के हम खुश होते थे। वो जो लिखकर आते थे ना मेरे लिखे हुए, बस वो मुझे प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी थी, राइटर साहब की, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप इसको जिस तरह मर्जी अदा करें। तो मुझे थोड़ा थोड़ा फिल्म एरिया हुआ हुआ था, मैंने कहा मैं तरन्नुम में कहूँ कि हाँ, तो उनका आपने आपने दीवार में आना है और आपने ना अपने भाई को बुलाना है, तो अब भाई ने जरा आपसे पूछना हाल चाल कैसे है, अब वो दीवार में आ गए। अच्छा वो कहते हैं बिल बतौड़ी क्या हुआ, कहते मुझे क्या हो गया, रोते हैं चम चम ने उजड़ गया चैन, ना भाई जान ये चैन क्यों उजड़ जाता है, हमें देखो ना। वो कहते ये क्या है, ये माँ के आंसू हैं, मामून चलो ग्वाल मंडा में चलते हैं, चलो आओ चले। मैं यहाँ क्या देख रही हूँ भाई, मैंने तो कहा था कोको कॉफ में मैं छुड़ैल हूँ तो शायद यहाँ पे मैं कुछ अच्छी बन जाऊंगी, बुजी देवी बन जाऊंगी, सीरी देवी बन जाऊंगी, पर यहाँ तो इनका इंसानों का बुरा हाल है। चल चलिए दुनिया भी हो सुनो करे, जिते बंदा ना बंदे दी जात हो। देखिए ऐसे ऐसे प्यारे डायलॉग्स जो इनको अभी भी याद हैं, और कैरेक्टर भी ऐसा था, तो हम ऐसे कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, इस कैरेक्टर को भूलना नहीं है। और आई एम श्योर जो लोग हमारे मुकामे बाला भूले हुए हैं, मुकामे बाला खुदारा भूले हुए हैं, नजरे करम कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड्स मिल जाते हैं जिनकी समझ में नहीं आती कि उन्होंने अवामी खिदमत कैसे की, कब की, लेकिन उनको अवार्ड मिल जाते हैं। नहीं वो कर जाते हैं, ऐसे इनको अवार्ड्स ऐसे कर जाते हैं खिदमत, ऐसे चले अवार्ड्स ना दें लेकिन इनको रिवॉर्ड दे दें, उस टाइम का जो इन्होंने हमें दिया है, उस टाइम का जो इन्होंने हमें एंटरटेन किया है और हमारे बचपन की यादों को
रंगीन बना दिया है। अच्छा मतलब ऊपर जो बिल्कुल टॉप है ना वो लोग करते हैं, अब जैसे मियां साहब हैं, वजीर आला साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, उन तक बात पहुंचती है तो वो जरूर अनाउंस करते हैं। जो नीचे वाला काम है ना जिनकी ड्यूटी है, खुदारा वो जरा होश के नाखून लें, उनको जरा थोड़ा एहसास करना चाहिए। जो मीडिएटर हैं खुदारा वो पीछे जिनकी जिम्मे ड्यूटी होती है कि आपने ये करना है, वो जरा आवाज उठाते हैं ना जी। वो गवर्नर साहब से मेरी जरूर, जिन्होंने तस्वीर बनाई थी मेरे जैसे के साथ, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मेरे साथ है, तो वो तो वो भी सुन लें। हां जी आप ये बताएं, अच्छा पहले तो नुस्ता भाई बताएं कि आपकी स्किन को क्या हुआ है, क्या मसला हुआ है? ये स्किन को ये मसला हुआ है, मेरा गुलर एक ही खुराक खाती रही मैं, वो जो चने वाले चावल पुलाव वगैरह दाता साहब सरकार से जो मुझे मिलता था वो, और जो मखानों की चाय चाय बनाती थी, मखानों का हलवा बनाती थी, और काफ़ी सारा तबरकात मिलते थे मुझे वहाँ से लाके में दूसरों में भी तक सी। बस चीनी नहीं होती थी तो जो हाँ उसकी चाय बन जाती है, उसकी चाय बनाती थी, हलवा भी बन जाता है उसका, मखानों को पीस पीस के पानी में भिगो के जी। वो मखाने में मैं सही वर्ड नाम लेंगे ना, मखाने में जो वाइट मखाना जो होता है ज्यादा, फूल मिठाई भी कहते हैं उसे, फूल मिठाई और मखाना। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये चीनी लें, और जो वहाँ से जो तबरुकात जो इकट्ठे होते थे डिफरेंट मज़ारों में जाती थी, तो फिर उसको पानी में डाल के और उसके बाद उसको पीस के चीनी के तौर पे इस्तेमाल करती थी, आप चाय बनाती थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कुछ नहीं था। मुस्तफा ये बताएं आपने शुरू कैसे किया, आपने पहली फिल्म में काम किया था, टीवी में काम किया था? पहले मैंने ड्रामे में काम किया था। पहले ड्रामे में काम क्यों ऐसा पैसा? वो हुआ ये था कि एजुकेशनल हॉल है ना, वहाँ पे कैंटीन भी है, वहाँ पे सब फनकार लोग बैठ के चाय पीते थे, मैं भी पी रही थी, तो उनका ड्रामा शुरू होने लगा। मिर्जा रशीद अख्तर उसके डायरेक्टर थे, उस ड्रामे क्यों स्टेज ड्रामा था, क्यों ऐसा पैसा? उसमें बहुत पुराने लोग भी थे वो बेचारे, और उस टाइम पे तो स्टेज ड्रामे भी बहुत अच्छे होते थे, जिसमें कोई पर्पस होता था, कोई कहानी होती थी, मैसेज होता था लोगों को देने के लिए। उसके बाद फिर किया आमना सामना, जलाल एक डायरेक्टर होते थे, सिद्दीका बट उसमें थी, अकबर राय साहब थे, मैं थी, मेरा मरासन का था वो और मरासी थे, मेरा ये रोल था लेकिन बड़ा टिपिकल रोल था। आमना सामना बहुत यानी कि, और उसमें ये थे हमारे वो कौन है जिनके बच्चे भी काम करते हैं, इरफान खुसर? नहीं इरफान खुसर साहब ही तो हैं वो, होए होए शहर में नाम नहीं आ रहा, आमिर वो जो नाम थे जलाल के अबू का क्या नाम है, जलाल साहब के अबू का क्या नाम है, आसिम बुखारी साहब के डायरेक्टर आमना सामना के, और सिद्दीका बट थी और मैं थी उसमें, अकबर राय साहब थे, ये हमने मैंने किया। उसके बाद तो फिर ड्रामों की लाइन लग गई, फिर उसके बाद ड्रामों की लाइन लग गई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? फिर बहुत सारी आगे चीज़ें ख़त्म हो गई। हम नुसताबा से सारी बातें करेंगे, यादें ताज़ा करेंगे, और खुदारा जो लोग नुसताबा को देख रहे हैं, जिनकी यादों में नुसत आरा साहिबा अभी भी बाकी हैं, आगे बढ़िए, इनकी मदद कीजिए। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक हम नुसरत आरा साहिबा, जिनको सबिल बतौड़ी के नाम से जानते हैं, उनके घर पर है, छोटा सा कमरा है जहाँ पर वो रहती हैं, और ऐसा कमरा है कि 6 फुट का बंदा भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। हम भी जब अंदर एंटर हुए तो सर नीचे करते हैं अंदर आएँ, क्योंकि ये कमरे में खड़े होने के तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इसी छोटे कमरे में एक इंसान जब रह रहा हो तो खुद सोचिए कि दम भी घुटता है और डिप्रेशन भी होती है, और एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए जिसने बहुत सारा काम किया हो, और उसके बाद जब वो देखे कि इस कसमा पुरसी की हालत में वो यहाँ पर है। कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन साहब बात कर रहे हैं जी मैं हेलो जी आपको मेरी आवाज आ रही है जानते अल्लाह जानता ग्रुप से लाहौर से हेलो जी जी हेलो हेलो मैं मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि आप लोग प्लीज अगर कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखा करें नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम जी सलाम जी मियां औजी बात कर रहा हूँ जी फैसलाबाद से जी सर क्या कहना चाहेंगे मैं ट्वेल्पर एसोसिएशन का यहाँ पे चेयरमैन हूँ मैं सबसे पहले नुसरत आपा और अफजल भाई जो है अफजल खान साहब उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अफजल खान साहब इस तरह के जो अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये एक आला शख्सियत के मालिक है और दूसरा मैं अदाकार को एक फरिश्ता समझता हूँ इसलिए कि फरिश्ते ही में ये खूबी होती है कि वो अपना रूप बदल के लोगों के लिए अच्छे पैगाम देता है खुशियां बांटता है मैं इसलिए अपनी तरफ से नुसरत आला साहब के लिए एक 2.5 मरले का प्लॉट इन्हें डोनेट करना चाहता हूँ तो आप से रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर आपके समा की टीम के पास आ चुका है आप लोग नुसरत आला साहब के प्लॉट के लिए मुझसे रब्ता करके जब मर्जी वो प्लॉट ले सकते हैं ताकि ये एक घर के कमरे से निकल कर अपने घर में आ सके बहुत शुक्रिया आपका आपको 2.5 मरले का प्लॉट दिया किसी ने मियां साहब फैसलाबाद से कॉलर है जो कि चेयरमैन है उनकी डेवलपर मैं क्योंकि नाम से ही सुन नहीं सकी मियां लाइन ड्रॉप हो गई है लेकिन वो आपको अपनी तरह से 2.5 मरले का आपको फैसलाबाद में वो आपको उन्होंने फैसलाबाद में आपको प्लॉट मिला है आपको प्लॉट मिला है आपको बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉल से लगा कि जो हमारी जो एक एफर्ट थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गई और बल्कि थैंक यू सो मच कि आपने कॉल की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा शो देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम जी मियां साहब ने मुझे जज्बाती कर दिया से पता चलता है ऐसे लोग भी अभी भी हमारे जी वालेकुम अस्सलाम कौन साहब बात कर रहे हैं जी सर क्या कहना चाहेंगे आरिफ फैसलाबाद से आरिफ साहब आपकी आवाज आपकी आवाज कट रही है तो आप दोबारा ट्राई कीजिए तो हम नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम कौन बात कर रही है मैम पहले मैं पूछ रही हूँ समर टीवी का है मैम ये नुसरत आला साहिबा का प्रोग्राम है ना जी नुसरत जी आप किसी खुली जगह पे चली जाए क्योंकि आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन बहुत है आपकी आवाज बहुत कट रही है कॉल ना काटिए ठीक है तो क्या कौन बात कर रही है मैं फातिमा बोल रही हूँ ये ऑनियर शो चल रहा है आप प्लीज दोबारा कॉल कर दीजिए चले आपकी आवाज हमें समझ में नहीं आ रही आप हमारी बहन प्लीज दोबारा कॉल कीजिए और फिर हम आपकी कॉल दोबारा शामिल करेंगे नुसरत आपा के साथ में नुसरत आपा एक हमारा आपसे सवाल मुझे लग रहा था कि फैसलाबाद से कोई और खुशखबरी भी थी फैसलाबाद छा गया फैसलाबाद छा गया कराची और लाहौर से हमारी सदा है पेशावर इस्लामाबाद से जागो भाई हाँ तो वैसे बहुत सखी लोग हैं और हमारे लोग देखा जाए जब भी कोई ऐसी कुदरती आफात हमारे सर पर आती है जिस तरह से हमारे लोगों में यूनिटी नजर आती है दुनिया की किसी को कहीं भी नहीं हम लोगों में अगर आपने यूनिटी देखनी हो तो आप तब देखें जब हम किसी आफत से गुजर रहे हो जैसे आप ये बताइएगा आपके एक बेटा है आपकी एक बेटी है आपके हस्बैंड नहीं है आपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहती मैं बस इस वजह से कि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती मैंने आना जाना होता है बेटी अकेली रह गई पीछे घर में उनके अब्बू साहब ने कहा था बेटी जिसने काम घूम जाना मैंने कहा वो डिस्टर्ब ना हो उनके साथ उनकी बेटी है ये वजह और कोई वजह नहीं
और कि वो तो आपको अफोर्ड कर सकते हैं वो? नहीं, वो बेचारे मेरे जैसे हैं। अच्छा, ज़ाहिर है वो भी अफोर्ड ऐसे क्यों नहीं कर सकते? और जो एक फनकार होता है उसको होता है कि चाहे कुछ भी दें पर मुझे मुझसे काम करवाते रहें। और नुसरत आपा की भी आज जो सेहत है वो इस वजह से, क्योंकि ये अकेली हैं, इनकी एक बेटी है वो भी बेवा है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। 65 मेरी एज है। मैं बस कहती हूँ मैं काम के सहारे, काम काम ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। चाहे कोई ये समझ लें कि मैं शौकिया काम करती हूँ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें मैं क्या शौकिया काम करूँगी। गेटअप करना, तैयार होना, तो मेरी बस ये हॉबी है कि मुझे अल्लाह घर में ना मौत दे, मैं काम करती भी मत जाऊँ दुनिया से, किसी का मुझे अल्लाह मोहताज ना करे, बस मेरी यही हॉबी है। मुस्तफ़ा, जब हम लोग, मैं आज जब आपके बारे में और कल भी जब रात में पढ़ भी रही थी तो मुझे ये सुन के इतना दुख हुआ, और अभी जैसे आप बात भी करी थी कि कितना बड़ा सुपरहिट कैरेक्टर जो कि आपने किया, उसके बाद आपको रोल मिलना बंद हो गया। जैसे आपने भी कहा कि लोगों को था कि जी ये तो अपने आप को कुछ समझने लग गई है, हाँ। तो हम इसको ईगो तोड़ेंगे, और उसके बाद से आपको कैरेक्टर मिलना, बल्कि लग रहा था कि इस तरह की कोई बड़ा हिट की चीज आ जाए, उसके बाद होता है कि पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। नहीं नहीं, बहुत बहुत काम ऐसे ऐसे दरवाजे बंद होते हैं, ऐसे ऐसे ही दरवाजे बंद होने के बाद दरवाजे बंद हो गए, और उधर से ये दरवाजे खुले। सरकार दाता साहब के पास में गई, उधर मैं जाती थी, रात को सब फनकार 12-1 बजे के बाद सलाम करने आते थे वली के दर पे, तो मैं उधर ही बैठी हुई होती थी, मैं देखती थी। मैं भी जाऊँ को एक छोटी सी ब्रेक लेने कहीं मचाएगा ब्रेक के बाद में। ड्रामा वो जो बरसों तक याद रहा, किरदार वो जो जहनों पर नक़ूश हो गया। नब्बे की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा सीरियल एनक वाला, जिनके किरदारों से कौन वाकिफ नहीं। अच्छा हम, तुम मेरा हेयर ब्रश पकड़ो, ठीक है? नस्तूर जिन जकूटा, हामून जादूगर और बिल बतौड़ी के किरदारों ने जहनों में अनमट नक्कूश छोड़े। इसीलिए मैं कहता था कि चुड़ैल नहीं तो डैड है, मेरी प्यारी बहन है, शादियां पा लिया। बच्चे जिनों और जादूगरों की कहानियों पर मुश्तमिल इस कॉमेडी ड्रामा सीरियल को बहुत शौक से देखते थे, जो एक तिलिस्माती दुनिया की मुकम्मल अक्कासी करता था। इस ड्रामे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम नुसतारा साहिबा के साथ मौजूद हैं, और इस ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि एनक वाला जिनके रोल के बाद से इनको रोल्स मिलना बंद हो गए थे, क्योंकि इनकी ईगो तोड़ने के लिए। और रेमो साहब, क्या हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि, क्योंकि लोग कितने हैं उस वक्त, एक ही चैनल था, एक ही चैनल था, इतनी ज़्यादा आबादी, और एक ही चैनल में तो कि जितने भी फनकार हों कम हों उसी में खबरनामा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब तो उस वक्त मेरा ख्याल है ज़्यादा होगा, क्योंकि हर फील्ड में पाकिस्तान में अल्लाह के फजल व करम से हम बड़े इन कामों में आगे हैं कि ना तरक्की करनी है ना करने देनी है, तो किसी भी शोबे में, और शोबिज में तो ज़्यादा है ये इस तरह होता है कि लोग आगे देखते हैं, जेलसी बहुत है कि आपको अल्लाह ने इज्जत दे दी तो एक दो लड़कियां ऐसे ही कह देंगी, या मुझे इज्जत मिल गई, या आपको जैसे ये बता रही हैं कि इनके साथ हुआ है, तो बस अल्लाह इन लोगों को हदायत दे जो इस तरह करते हैं, और काम बांध दिया जाता है, बहुत सारे लोगों का काम बंदिश करा दी जाती है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं आपको पता ही है। बिल्कुल। तो
अल्लाह पे इत्मार करना चाहिए कि जी जो रिस्क आपके नसीब में है लिखा वो आपने वो कोई लेके जा नहीं सकता, और जो आपकी तरफ आना नहीं है वो आप उसे ज़बरदस्ती ला नहीं सकते। तो आप ऐसे ही इस कामों में पड़ जाते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं और अगले का भी नुकसान और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं। और यकीन देखिए अल्लाह की ही वजह से है कि चीज़ें चल रही हैं, वरना अगर इंसान के हाथ में रिस्क होता तो सारे भूखे मर जाए, सब भूखे मर जाते, सब भूखे मर जाते, क्योंकि इंसान के पास जब ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ तो वो फिर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है, उसको लगता है कि सब कुछ उसी के हाथ में आ गया है। मुझे थापा फिर आपने ख़ुद से आपको, क्योंकि मुझे था कि कोई ऐसा ड्रामा जैसे एक बिल बतौड़ी का कैरेक्टर है, फिर हमारे पास इतने ड्रामेज बच्चों के आते थे, बल्कि लेकिन वो जो ड्रामा था उसके बाद ऐसा कोई ड्रामा बच्चों का नहीं आया जो मुझे याद हो। बच्चों की एक सॉरी जवाब से पहले, इतनी बदकिस्मती है हमारे लिए, हमारे बच्चों की, कि इतने सारे चैनल होने के बावजूद बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। और एक पीटीवी होता था वो ज़रूर 25 मिनट निकाला करता था। तो इतने चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि बच्चों अब उनको को जी बच्चों का कहते हैं जी उसकी रेटिंग नहीं आती, उसके ऐड नहीं मिलते उसकी, अब हर बात तो रेटिंग पे ही है। तो सुबह जैसे मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल जाने से पहले कार्टून लगते थे, लगते थे तो वो कार्टून देखते वो नाश्ता करते हुए, बिल्कुल नाश्ता करते हुए कार्टून देखती हुई जाती थी कि जी कार्टून लग गए, और पसंद के कार्टून होते थे। कॉलर भी हमारे साथ है जी लाइन पे, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं बाजी बिरजू बोल रहा हूँ। कौन साहब बात कर रहे हैं? बिरजू बिरजू पंजाबी कुल बिरजू सॉरी सामने बता के जा रहे थे। आवाज तकनीकी कुछ खराबी की वजह से बड़े भाई हैं मेरे अब्दुल खान साहब, मेरे भाई हैं मेरे जी जी। आपकी आवाज़ हमें आधी सुनाई दे रही है, आधी ब्रेक हो रही है, मेरा ख्याल है कि हमारी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जहाँ पे हैं। बिरजू साहब बात कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि अच्छा बिरजू आर्टिस्ट है हमारे, एक्टर स्टेज के बिरजू। अच्छा बिरजू आवाज़ जो है ना वो ब्रेक हो रही है, सही समझ नहीं आ रही, हमारी शायद लाइन में प्रॉब्लम है, सबके फोन नहीं खराब हो सकते क्योंकि यहाँ हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे यहाँ सिग्नल का हमारी तरफ प्रॉब्लम, हमारे तो यहाँ सिग्नल्स का इशू है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी, उनसे ही बात करके देख लेते हैं, अल्लाह करे उनकी आवाज़ में कोई मसला ना। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम, मैं सोफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कौन बात कर रही है? सोफिया बात कर रही हूँ मैं जी। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो अदाकार हैं, जो साहिब हैसियत अदाकार हैं तमाम शोबिज़ के लोग, वो क्यों नहीं ख्याल रखते अपने एक लेजेंड अदाकार का? वो ये क्यों नहीं सोचते कल को उनके ऊपर भी अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ सकता है? सबसे पहली जिम्मेदारी अदाकारों की बनती है। ये कैसे लोग हैं अपनी फील्ड के एक बंदे को एक कपड़ा बिछा के बिठा देते हैं? क्यों ऐसी नौबत क्यों आती है? अदाकारों के एक यूनियन क्यों नहीं है जो इन्हें संभाले? ये क्यों नहीं सतून बनते अपने पुराने अदाकारों का? मुझे तो ये समझ नहीं आती, करोड़ों अरबों पति हुए में हमारे यंग अदाकार, रैम्बो साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, ये भी एक बड़े अच्छे खाते पीते इंसान है, इन जैसे दूसरे हजारों अदाकार हैं, जावेद शेख हैं, और जो अरब पति हैं, हमजा बासी हैं, और इतने लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं, क्या सिर्फ जवानी का साथ देने के लिए आप आए हैं इस फील्ड में? बुढ़ापे का कोई साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा रैम्बो साहब तक भी आपकी बात पहुंची है। और देखिए मैं आप जैसे भी आपने बात की, हमारे बहुत सारी ये एक आर्टिस्ट तो नुसरत आरा वो आर्टिस्ट हैं जो हमारे दिलों पर राज किए, हम इनको जानते हैं। तो हमें आज मीडिया ने जब ये बात उठाई और आज जब इनको देखा दरबारों पर मांगते हुए, तब ये बात उठी कि जी नुसरत आरा साहिबा की ये हालत है। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट है जिनको हम लोग जानते हैं, सैकड़ों ऐसे आर्टिस्ट हैं, सैकड़ों ऐसे आर्टिस्ट हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर करना भी चाहें तो जो ट्रस्ट स्पेशली बनता है, जो जैसे अलहमरा की बात हो रही है, एक ट्रस्ट बनता है कि जी आर्टिस्ट के लिए बनेगा, ये आर्टिस्ट को आगे आर्टिस्ट का वेलफेयर है, कल के लिए वो काम क्यों नहीं आता? आप मुझे ये बताएं कि ठीक है अब सब चीज़ें, अगर आपको लग रहा होता है कि बहुत अरबपति बन चुके हैं, खैर मैं नहीं सफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आई हैव नो वर्ड्स।
और बहुत सारे और, जी जी और दूसरा आर्टिस्ट करते भी हैं और वो बताते नहीं हैं, वो आपको खुद भी बताएंगी जी जी। कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं इनको बगैर बताए और ये उन्होंने कहा भी हुआ कि जिक्र नहीं करना, वो अपनी बसात के मत के मुताबिक जो है अपनी औकात के मुताबिक इनकी जरूर हेल्प करते हैं। आप जरा बता दें आर्टिस्ट आपके साथ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, मुझे साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब सब कुछ तो मेरी मर्जी से नहीं ना होगा, जो जिसकी भी जो कुछ भी है वो सब कुछ करते हैं, उनका एहसान है करते हैं। स्टेज की अभी तीन चार लड़कियों का नाम इन्होंने लिया था ब्रेक में, वो इनकी हेल्प करती हैं। वो कहते हैं प्रोड्यूसर साहब से नहीं कुछ किया ना, हम आपको कन्विंस देंगे, काम नहीं छोड़ना, आपने काम नहीं छोड़ना जो एक्टर कर सकते हैं, और ऐसे करते हैं बहुत सारे करते हैं। अब कोई एक्टर ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ, मेरी बहन ने बात की है कि हमें इतने पैसे यहाँ नहीं मिलते कि हम, मुझे 21 साल हो गए ये काम करते हुए, 21 साल में मैंने अपना दिन रात काम करके एक घर बनाया है, तो अब मैं इनको घर नहीं दे सकता, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अल्लाह ज़िंदगी से दे मियाँ साहब को, जो फैसलाबाद से जिन्होंने कॉल की है, और उन्होंने एक सेकंड में हमारी इस प्रोग्राम की और टेलीविजन हमारा जो है समा के चैनल की वसादत से उन्होंने प्लॉट दे दिया है। हम जितना कर सकते हैं हम ज़ाती तौर पे भी करते हैं, और अगर हम घर बना के नहीं दे सकते और उतनी हेल्प नहीं कर सकते जितनी को ज़रूरत है, तो हम सब मिल के उनके लिए ये तो कर सकते हैं कि हमने प्लाट दिलवा दिया, तो हमें एक दूसरे का एहसास है, हम करते हैं। लेकिन हमारे वेलफेयर जो बने हुए हैं, जैसे पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, उसका एक शो जो है वो आर्टिस्टों के लिए हमने किए हुए हैं। अगर मैंने वहाँ 500 ड्रामे किए हैं तो 15 शो के पैसे प्रोड्यूसर के पास जाते थे, एक शो जो है वो 500 ड्रामों में से, यानी 500 शो मैंने किए हैं और मैंने आर्टिस्टों के लिए किए हुए हैं। मैंने अपने 15 दिन के 16 दिन के पैसे, एक दिन के पैसे मैंने छोड़े हुए हैं, और वो जितने 100 ड्रामे मैंने किए हैं उतने 100 पैसे मल्टीपल करें तो कहाँ तक जाते हैं। हर एक्टर ने अपना हिस्सा वहाँ दिया हुआ है। अब मसला ये है कि वहाँ पे ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है कि अगर 4-5 बड़े एक्टर सिफारिश करते हैं तो तब इनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं जो ज़रूरतमंद है। हालांकि वहाँ एक सिलसिला होना चाहिए, एक लिस्ट बननी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त किन किन एक्टरों के पास काम नहीं है, कौन से बूढ़े हो चुके हैं, कौन कौन जो घरों में बैठे हुए हैं जिनको ज़रूरत है, उनको खुद पहुँचाने चाहिए। अब इतना सारा कुछ हम अकेले तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की नुसरत आपा। मैं चाहूँगी कि लोग जो हमें देख रहे हैं एवं उनको अपना मंत्र भी सुना दें, फिर बातें तो करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी मंत्र मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, टीवी पे बचपन में देखा हुआ है, तो मंत्र आप हमें कोई ऐसा सुना दें, एक मंत्र। अभी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है अनक वाले जिम के हसी पाशा हम जादूगर करवाते हैं, उन्होंने कहा था कि आप इसमें एंट्री करें, मैंने कहा चलें ठीक है। खड़े खड़े वो स्कूल बनाया हुआ बच्चों के लिए तारीफ, वो क्या था मेरा, देखो देखो बच्चा सच सच का रास्ता ये है, स्कूल जाओ वो करो। मैंने कहा मुझे भी रख लो, मैं तो स्कूल लड़ करूँगी ना, मैं बदी की चुड़ा लूँ, मैं नेकी नहीं भला थी। मैं कहती हूँ मैं भी मंत्र, मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ, ये स्कूल भेजोगे बच्चों को, मेरा मंत्र सुनो तो बच्चे देखो कैसे कैसे स्कूल जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं जी हाँ हम स्कूल नहीं जा। मैंने कहा नहीं नहीं जाना है स्कूल जाना है, देखो डोल डोल डावा डोल मेरे दिल के हैं ये बोल, झूठ बोल कम तो झूठ बोल का तेरे तो स्कूल का हो गया ना भट्टा, और बिल बतौड़ी को मेरा भी बिल बतौड़ी हाई स्कूल है को काफ में, पता तुझे हाँ रेत के लड्डू खाते हैं सारे बच्चे लंच बॉक्स में डाल के ऐसे 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 हाँ ऐसे ऐसे। पर बुरी बात है मैं वैसी मंत्र पढ़ रही हूँ, रेत के लड्डू नहीं खाने चाहिए, कभी भी गला बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर रोटी भी नहीं खा सकोगे। मैसेज भी दे दिया, मैसेज भी दे दिया है। यही हमारे साथ एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नायला जी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। और जी आपने तो हमारी जी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं, हम तो बचपन से इनको देखते आ रहे थे यू नो, एंड उनके लिए जी मैं अहमद फराज ट्रक से 1,00,000 रुपए डोनेट करना चाहती हूँ। 1,00,000 रुपए? 1,00,000 रुपए आपको दिया है, क्या नाम है इनका? नायला। नायला इस्लामाबाद से। नायला इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच नायला। मैं देखिए आप इनकी हेल्प कर रही हैं, लेकिन क्योंकि हम इस कॉज के लिए यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने मुझे कोई फेवर दी हो, आपने उन बच्चों को फेवर दी है, आपने उन बच्चों को फेवर दी है
जिन्होंने बचपन में बिल बतौड़ी को देखा हुआ स्क्रीन पे राज करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, अपने बालों को झाड़ू से ब्रश करते हुए, तो हमारे तो बचपन की यादें ही ऐसी हैं. और आपने लेजेंड का आपने इतना रिगार्ड किया. थैंक यू सो मच नायला फॉर कॉलिंग. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शाद और आबाद रखे. देखिए यही हमारा मकसद था और हम आपकी कॉल्स ऐसे ही लेते जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये कि अगर हुकाम बाला ये जो दो घंटे आज हम बिल बतौड़ी के साथ शो कर रहे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी बातचीत हो रही है. मैंने बल्कि सोशल मीडिया पे देखा भी कि पता नहीं किन्होंने आपका बेड़ा उठा लिया है, उन्होंने आपसे बात कर ली है, कॉन्टैक्ट उनका हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है? नुसरत आपा मुझे बताएं ज़रा, ताकि लोगों को पता चले. नहीं, ये भी हुआ, बैठे बैठे हुआ आपके बैठे. उसके अलावा नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आपके आने से पहले. ऐसे तो हमारे ये जो खबर फैलती है ये क्या है, मतलब ये पता नहीं क्यों खबर फैल जाती है. मुझे खुद मैं पता नहीं किसने बेड़ा उठा लिया. जी मैंने मैं नाम भी लेना चाह रही, लेकिन उन्होंने आया कि जी पता नहीं कौन से राशन पानी का कोई कैसे, कि उन्होंने कहा कि जी हमने उनका बेड़ा उठा लिया है. वो जहाँ भी वो जा रही है, वो हॉस्पिटल जा रही है. तो मैं आपको बता दूं जी कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है. बैतुल माल से आपको भी ऐसा कुछ यूं आया? हाँ जी, वहाँ से 50,000 का चेक मिला है. अच्छा, बैतुल माल से आप इलाज भी वहीं से हो रहा है. अच्छा, इलाज भी बैतुल माल के थ्रू हो रहा है. तो हम जो अपने सोशल मीडिया पे जो इतनी चीजें देख रहे हैं, और फिर कुछ लोग बेचारे इसलिए थोड़े से सुकून में भी आ गए कि नहीं नहीं उनकी चीजें हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है. हमारे आने का मकसद ये बैतुल माल से सिर्फ उनको अभी तक चाहिए. और अभी जैसे फैसलाबाद से मियाँ साहब की कॉल थी, और उसके बाद नायला का जैसे इस्लामाबाद से हमें फोन था, तो नायला ने जैसे डोनेट किया, ये लोग जो अभी डोनेट कर रहे हैं फेसबुक से, जैसे जी हमारे फेसबुक पे पेज पे भी हम पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं. बैरून मुल्क से भी लोग, बैरून मुल्क से एग्जैक्टली सऊदीया से लोग चाह रहे हैं कि लोग बाहर से भी डोनेट करें. तो मैंने आपको उनका अकाउंट नंबर भी बताया है कि ये अकाउंट नंबर है और आप इस तरह से डोनेट कर सकते हैं. आपके 100 रुपये भी मैटर करता है. अगर आपको लगता है कि जी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आपके जो 100-100 रुपये है ये हमारे एक लेजेंड को बचा सकता है. आप ये ना सोचिए कि आप बिल बतौड़ी के लिए करें, आप सोचिए कि एक वो लेजेंड है जिससे आपके बचपन की यादें रंगीन हैं. एक छोटी सी ब्रेक, और मेरे कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. दो अभी हमें बड़ी डोनेशंस आई हैं. नायला जी ने इस्लामाबाद से हमें कॉल की. आई एम श्योर क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, तो डिस्टॉर्शन की वजह से हम उनकी बात नहीं समझ पाए. नायला जी ने हमें इस्लामाबाद से कॉल की, जिन्होंने 1,00,000 रुपये डोनेशन देने का ऐलान किया. और साथ में हमारे साथ फैसलाबाद से मियाँ साहब थे, जिन्होंने इनको जगह, इनको प्लॉट जो है वो डोनेट की है. आप लोगों ने भी सुनी, नुसरत आरा हमारे साथ हैं, और साथ में हमारी स्क्रीन पे वो लोग जो डोनेट करना चाहते हैं, इनका नुसरत आरा साहिबा का अकाउंट नंबर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे नीचे आप देख रहे हैं चल रहा है. आप प्लीज़ उस पर ज़रूर डोनेट कीजिएगा. और साथ में ये ना शर्माइएगा कि आप पैसे थोड़े कम डाल रहे हैं, तो इतना तो अगर हम जितने भी लोग देख रहे हैं वो 10-10 रुपये करके भी डोनेट करें ना, तो इनकी मुश्किल हल हो जाएगी. अगर हुकाम बाला भी इनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, तो हमारी डोनेशन ही, जैसे अभी हमें कॉल्स में आई हैं, तो हमारी डोनेशन ही इनके लिए बहुत ज़्यादा होंगी कि अपने लिए इंशाल्लाह इससे बड़ा कमरा, ज़मीन तो मिल गई है इनको, अपनी ज़मीन पे, हाँ उस पर घर भी बना लेंगे, और इससे ऊंची छत, ताकि वहाँ रह सकें, वो रह सकें. स्क्रीन पे मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि इनका अकाउंट नंबर चल रहा है, तो प्लीज़ 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 इनको डोनेट ज़रूर कीजिएगा. नुसरत आरा जी हमारे साथ हैं, और नुसरत आरा हमारा बचपन की यादों का सासा है, जो हमारे बचपन की यादों में. और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जी फिक्र ना करें, 10, 20, 50, 100 रुपये जितने डालने आप डालें. और जैसे मदिया जी ने गाया कि 10-10 रुपये भी डालें, इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं, तो इतना कुछ हो सकता है कि बहुत कुछ हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिशात की बात की वैसे तापा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके अपने दिल में घर के अलावा कोई ऐसी चीज़, जैसे बस आप काम का कहती हैं, ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक जो मैं मरूं तो कलमा नसीब हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. सबसे ख्वाहिशें तो ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले, वो तो ता जिंदगी हमारी इंसान की फितरत है पूरी नहीं होती, वो सब तो उससे खूबतर की तलाशी हम लोग रहते हैं. तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि जितनी मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. मुझे तो ये डूबते को किन किना
तिनके का सहारा काफ़ी, मैं डूब रही थी, मुझे उठाया गया, अभी यही काफ़ी मेरे वास्ते। अब बस मैं ये मांगी मुझे अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती की दौलत दे दे, जो मुझे बीमारी अल्लाह पाक उससे मुझे निजात दे। इलाही वो बहुत शर्मिंदगी वाली बीमारी है मेरी, फिजिकली मैं इतनी वीक हो गई, इसीलिए मैंने कहा यही पैगाम देना कि अपने आप से पहले प्यार करो, फिर दूसरों का बाद में, यानी कि दूसरों से बाद में, ये मुराद है कि अपने हम सही होंगे तो हमारे बच्चे भी बच्चों को भी आप सेहतमंद होंगे तो दूसरे का ख्याल कर सकते हैं, अल्लाह को भी राजी कर सकते हैं, बंदों को भी राजी कर सकते हैं। तो जब हम एक लाइन से आपने अपने करियर का आगाज किया था एक एकर की लाइन, और अब दोबारा उसी एक लाइन पर वापस आ जाना, ये सफर कैसा रहा? ऐसे ही है कि बस हमेशा मेरा यही काम होता है कि जैसे आज ही शुरू किया, मुझे आज ही काम ही, हर काम मैं यही समझ के करती हूँ। बस यही बात है कि जब एक दौर था बिजी हो गई थी तो, लेकिन मेरा ख्याल है बिजी होने में भी बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, बहुत बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कि जो लोग हाथ मिलाने वाले थे उन्होंने हाथ छुड़ा लिए, ये भी सब साथ साथ चलता है, साथ साथ ही सब बात सुनते हैं। हम देखते हैं स्क्रीन पे, हमने लोग देखते हैं, हमारी असल में अंदर कोई झांक के नहीं देखता, क्योंकि हम हंसते रहते हैं वो भी हंसते रहते हैं, तो हमारे लिए यही बेनिफिट है, यही हमारा सब कुछ अवार्ड है। वो जब फिर एकदम दरवाजे बंद हो जाए तो फिर हमने नार, मैं कहती हूँ सबसे आसान काम फनकार को मारना, फनकार को मारना, वो नहीं है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, कोई तो मतलब होगा दुनिया बनाने का, यही मतलब है ना कि सब बंदे तो इक्वल नहीं ना हो सकते, मुख्तलिफ है, गुलदस्ता है ये बस खूबसूरत दलदल है, इसमें पाँव हम जितने धंसाते हैं हम कहते हैं और धंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल है, जो निकल जाए वो अल्लाह का बंदा बन गया। जो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया एक स्टेज है और हम जिसमें फनकार हैं, फनकार का जब काम ही खत्म हो जाए तो आप खुद सोच रहे हैं कि फनकार की फिर क्या जिंदगी रही, फिर तो डेथ है, बड़ी अच्छी बात, फिर तो डेथ है। और नुसरत आपा भी जैसे बात कर रही थी कि किसी फनकार को मारना होना बहुत आसान है, उसको काम देना छोड़ दो, काम देना छोड़, आज भी क्योंकि नुसरत आपा मांगना नहीं चाहती तो आज भी जाके स्टेज पे जाके काम करती हैं, उस पर भी इनको पैसे इतने कम मिलते हैं। और ये तारीफ कर रही थी जैसे ऑफ कैमरा भी कि जो इनके साथ उनकी जो एक्ट्रेसेस हैं, जो हीरोइंस हैं वहाँ की, वो इनको पैसे देती हैं ताकि अपनी कन्वेंस के पैसे पूरे कर लें, और ये भी चाहती है कि इनका काम बंद ना हो किसी तरीके से, इनका काम चलता रहे। और नुसरत आपा काम आज से नहीं कर रही, जवान थी जब इनकी मियाँ की डेथ हो गई, नुसरत आपा तब क्या, आपकी तब क्या एज होगी उस वक्त? मेरी एज ही थी 18 साल 17 साल जब आपकी मियाँ की डेथ हुई। हाँ, जब से काम कर रही हूँ। और फिर अकेले ड्रामा था, रात की आंखें, नहीं नहीं वो कह रही हैं 18 साल से काम शुरू किया है, जब मियां की डेथ हुई थी, फोत हुए हैं, तो तब आपकी कितनी उम्र? जब ये इतनी उम्र थी, तब भी इतनी उम्र थी, और आपके दो बच्चे थे? दो बच्चे थे, और अकेला फिर सब संभाला उनको। हाँ, अब समझ आई काम की। उस वक्त एक ड्रामा था, सेंस बड़ी थी शुरू से ही, वो रात की आंखें ड्रामा था, खालिद सईद भट्ट साहब का, रात की आंखें वो बहुत अच्छा ड्रामा था, उसमें एक कहानी थी, मौजू था, यानी कि कैसे वो उसका एंड मुझे पसंद आया कि इतना मालदार आदमी आखिर में सब कुछ छोड़ के समंदर के किनारे गाड़ी भी छोड़ दी, चाबी भी वहीं रख दी, वो किसके पल्ले पड़ा अपनी जान, जैसे कि बस वो ड्रामा बहुत अच्छा मेरे दिल को लगा था, रात की आंखें, नया बुखार, बड़े बड़े ड्रामे थे उनसे से भी। अब समझ अब आई, हाँ अब समझ अब आई है वो, ये जो गाना नहीं तुझे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, उसकी मुझे टोन बस अच्छी लगती थी उस वक्त, ये समझ में नहीं आया, समझ में अब आया भाई, अपनी समझ जिस तरफ मर्जी ले जाओ, हम तो गलत ही समझते हैं कि भाई हाँ ये गाना वाना ये भी किसार मोहब्बत होता है अल्लाह से, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है, ये बात है, बिल्कुल। कॉलर भी हमारे साथ उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, सही बात कर रहा हूं, बहावलपुर से जी। सईद साहब बात कर रहे हैं बहावलपुर से जी। सईद साहब सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को, आपके चैनल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ बहन आपको, अफजल भाई को, कि आप लोग जो हमारा आज का माशा है ना, हम अपनी चैनल की रेटिंग के लिए, बाकी मामलात के लिए, अब अगर ऐसा इशू होता तो हमारे काफी सारे चैनल जो है ना इनको वो करते, लेकिन किस तरह की इनकी पोजीशन है, यहाँ आपका आना, मैं कहता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम पाकिस्तानी कौम है, जागने वाले हैं, और इंशाल्लाह इनका अकाउंट नंबर भी नोट कर लिया है, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इनको वो करेंगे मालिश को,
सिर्फ ये है कि जगाने की और यहाँ तक आने की जरूरत होती है। वो कह रहे हैं मैं भी करूंगा और बहुत सारे लोग और भी करेंगे। और सईद भाई बिल्कुल शर्माइएगा मत कि अगर आप जितने कम पैसे भी डालें, आप जितना भी पैसे डालना चाहें आप डालें, लेकिन आप डोनेट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के सईद भाई, हमारे साथ बहावलपुर से थे। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात करें, कहाँ से? मैं इमरान बात कर रहा हूँ, काड़ा से। जी इमरान साहब, क्या कहना है? मैंने समा के वाले से बात करनी है कि समा वाकई जो कहते हैं ना कि समा सबसे आगे, आज इन्होंने शो कर दिया कि वाकई समा सबसे आगे है। तो आज मतलब रैम्बो साहब भी बैठे हैं, आपके वाले से मैं ये बात करूंगा कि आपने एक अच्छा काम किया, बजाय आप जो है ना जब बंदा चला जाता है तो उसके वो लवाहकीन को आप कहते हैं जी उनको 5-5 लाख दे दिया, तो आप उनके जीते जी उनको वो काम कर रहे हैं कि ये दूसरे जो आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त, तो जैसे पिछले दिनों पता चला था जवेद कोडू साहब वो भी बड़े बीमार थे, तो आप लोगों ने उनका भी बहुत सारा साथ दिया, तो बड़ी खुशी होती है कि आप उनको ना उनकी जिंदगी में इतना मतलब कह लें कि मतलब एकता मतलब उनके साथ तावन करते हैं कि जो मतलब डूबे हुए हैं या कुसुम परसी का जिनके ऊपर एक टाइम गुजर रहा है उनका साथ देते हैं। तो ये मैं समा को काफी देर से देख रहा हूँ कि इन्होंने ऐसे शो किए हैं खास तौर पे मॉर्निंग शो में कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे ये पिछली गवर्नमेंट का था वो बब्बू बराल साहब बीमार थे तो उनको ना पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन 2.5 लाख दिया। साहब आपकी कॉल का, और जैसे ये बात हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं जिसमें बब्बू बराल भी है, जिसमें मस्ताना जी भी है, हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, हमने उनको देखा है कि वो क्या उनकी हालत में, और जब वो जिंदा थे तब उनको रिगार्ड नहीं किया, और जब उनके जाने के बाद उनको रिगार्ड करना है तो फिर ऐसे रिगार्ड कर क्या फ़ायदा, जब जो जिसको उसकी ज़िंदगी में आप वो नहीं दे सके, जो बेचारा मांगते मांगते चला गया। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी, उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात करें, कहाँ से? जी हाफिज अब्दुस्तार बात कर रहा हूँ जी। जी हाफिज साहब, जी हाफिज साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या आपने इनके लिए कोई कदम उठाया और समा चैनल की तरफ से? हाफिज साहब को डोनेट करना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह, मैंने इनका अकाउंट नंबर ले लिया है, मैं और हमारे दोस्त हैं, और इनको इंशाल्लाह आप सारे दोस्त मिल के ना इकट्ठे करके तो एक ही दफा डाल दे। हाँ चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपकी कॉल का। इसके साथ ही मैं छोटी सी ब्रेक लेने कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम नुसरत आपा से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना एक अच्छा सा मंत्र हमें दोबारा से सुनाए, और उसके बाद हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ, और आज आपका हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मेरी तरफ से भी, पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि आज हम बड़े ख़ास मकसद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि नंबर जो है, अकाउंट नंबर वो स्क्रीन पर चल रहा है बीच बीच में वक्फे से, तो आप ज़रूर नोट करें, और जो भी देना चाहते हैं, जितना भी देना चाहते हैं आप दोस्त मिल के, अगर तो आपको थोड़े लगते हैं, 100 रुपया थोड़ा लगता है, तो 10-20 दोस्त मिलकर 2-3 हज़ार भी करा सकते हैं, तो इतना तो हो ही जाएगा। और आप बाकियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने, फैसलाबाद से मियां साहब हैं, इस्लामाबाद से नायला जी, बिल्कुल नायला हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बता नहीं रहे,
और वो मतलब वही बात जो आपने की थी कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना चले, ऐसे भी माशाल्लाह हैं, वो हमें शाम को पता चलेगा कि ऐसे कितने लोग थे, कितने लोग थे जब इनके अकाउंट में आएंगे। ये मैं देख रही हूँ जी, 2015 में इनको शील मिली है जी, अवार्ड मिला है इनको बेस्ट परफॉर्मेंस जी, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2015 ऑन द 7th एनिवर्सरी थी स्टेज प्ले जिन और जादूगर जो कि स्टेज पे ये कर रही थी, मुस्तफा इसके बारे में बताएं। और यही बात कि देखें अवार्ड शील्ड अलहमरा जी, अलहमरा आर्ट काउंसिल, ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट जिसे मैं कह रही हूँ कि अवार्ड शील्ड इतनी नहीं होती कि आर्टिस्ट इसको बेचे और जाके अपना इलाज करवाए, या आर्टिस्ट इसको बेचे और घर की छत डलवाए। सो इससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिस्ट की कदर करें, ताकि अगर जो नए आने वाले लोग हैं वो भी देखें कि अगर हमारे लेजेंड्स के साथ ही हो रहा है या हमारे पुराने आर्टिस्ट के साथ ही हो रहा है तो हमारा फ्यूचर क्या होगा इस फील्ड में। तो इस फील्ड को ज़िंदा व आबाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस फील्ड के बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको जिंदा रखा जाए, उनको ज़िंदा रखा जाए और उनके लिए कुछ अच्छा ज़रूर किया जाए, और इंसानियत भी तकाजा करती है। अच्छा आप ये करती नहीं नुसरत, आपा ये प्ले कितने अर्से करती रही आप, ये स्टेज का प्ले था ये, बस एक दो तीन शो की हैं इसके, बस दो तीन शो की आपने, ठीक है। और ये बच्चों के लिए ये 7 साल का लिखा हुआ है ना, तो ये वो शो तो नहीं है जो बार बार आप करते थे स्कूलों में, वही शो है ये एक ये जो इसकी टीम थी ना जी जी, ये पूरी जो टीम थी जी, एनक वाला जिनकी, ये भी पूरी, ये अलहमरा की तरफ से पूरे हर हफ्ते भी हुआ करता था, और फिर इन्होंने स्कूलों में भी किया और अभी भी होता है, हर हफ्ते बच्चों के लिए स्पेशली आर्ट्स काउंसिल ने किया हुआ है, तो उसके 7वीं सालगिरह पे इनको अवार्ड दिया गया, ये वो 7वीं सालगिरह पे मुझे मिला है। हाँ, अवार्ड के साथ एक मेडल भी गोल्ड का, बंदा मुश्किल वक्त बेच दे, गोल्ड ही हो तो मेडल भी जी यहाँ पे इनके। अच्छा, बेनज़ीर साहब ने आपको मेडल भी दिया था। अच्छा, ये इतने सालों में मुस्तफा ये बताए क्या लगता है कि आपने क्या पाया और क्या कुछ खो दिया? मुझे बस मैंने अपना आप, बस मुझे पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ढूंढती हूँ अपने आप को कि मैं हूँ कौन, तो अपना आप खो दिया। हाँ, और मुझे क्या पता नहीं चलता कि मैंने क्या, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बस अल्लाह का शुक्र, जो टाइम गुजर जाए अल्लाह का शुक्र है, ये बात है। और क्या कुछ खो दिया आपने? बस कुछ होती है ऐसी बातें, अपने आप को तलाश करती, बंदा अपने आप को खो देता। सबसे ज़्यादा घाटे में जो फनकार होते हैं ना, वो अपने आप को हमेशा अपने आप को खोते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हकीकत ये है हर फनकार की, नहीं सही कह रही है, ये अपने आप को खो देते हैं, हम अपने आप को तलाश करते हैं कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन हमें कोई तलाश नहीं करता, ये है हकीकत फनकार की। कभी ऐसा हुआ कि कभी इलाज के लिए आप गई हो, या कभी रात में अकेली हो और पाँव में चलने की हिम्मत ना हो? हाँ, जैसे आप मजार आज कल तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, अभी देखो ना मुश्तरका गेट है, ठीक है कि नहीं, अब मैं रात को आई हूँ और कई लोग शुगर बना लेते हैं। मुश्तरका गेट जी, यहाँ पे और बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, तो ऊपर उनको इन्होंने एक दो कमरे दिए हुए हैं, अलग से ये किराया दे रहे हैं, तो नीचे भी एक दो फैमिलीज हैं, तो गेट एक ही है, तो जाहिर है वो रात को सारे डिस्टर्ब होते होंगे। किया हुआ होता है बिल बतौड़ी का, तो वैसे ही वो कहते हैं शुगर है, शुगर लगा लेते हैं। अब मैं नो करती हूँ तो मुझे लगता है कि पागली ना मुझे पकड़ ले। देखो ना, रात को 1:30 बजे आना, 1 बजे आना, वो मेरे लिए कैसा लम्बा फिक्र होता है। रात को जब आप अकेली होती हैं, अकेली होती हूँ मैं, इसलिए मैंने बच्चों को भी नहीं अपने साथ रखा हुआ कि मैं तो झेलूँगी, इनके साथ ना कुछ हो जाए। कुंडी खोलेंगे रात को, कैसे कुंडी खोलेंगे, मेरे घर में तो कोई होता ही नहीं, मैं ही होती हूँ सिर्फ, इसलिए अल्लाह अल्लाह का सहारा है, बस आदत डाल ली है अपने आप को अकेले रहने की। अमीन तो दुआ है कि अल्लाह आपके बच्चों को भी इतना दे। हाँ जी। कि आपको स्टेज पे, ठीक है आप शौकिया काम करती हैं, लेकिन शौकिया फिर पेट भी, हाँ, कमाना भी है, ब्रेड अर्नर भी है। मतलब बच्चे तो मेरे ये सोचते हैं कि अमीन शौकिया काम करती है, अभी शौकिया काम मैं कहीं मुगले आजम में काम कर रही हूँ, मैं शौकिया काम से यही है ना, वो ये समझते हैं हमें कि दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, हाँ, रोटी कमाने के लिए मुझे हमेशा से, इस बीमारी में आप खुद सोचिए, प्रॉब्लम के साथ 10:30 बजे मैं निकलती हूँ सुबह, जब नहीं रात के ड्रामा करने स्टेज के, आजकल जो कमर्शियल ड्रामे हैं वो 11 बजे शुरू होते हैं, तो मैं आधा घंटा पहले निकलती हूँ, नहीं कहती ताकि मैं जाके छुप जाती हूँ, वहाँ जाके मेकअप नहीं सबके सामने कर सकती, इतनी हसीन हूँ, यानी कि शर्म आती है वो, लेकिन बहुत इज्जत करते हैं जो सीनियर है ना, लड़की वगैरह हुआ पापा, उससे मैं ज़रा जिंदा रहती हूँ, तो मैं बस करके वो कहते हैं हाँ पापा,
वो बस ऐसे जरा टाइम पास हो जाता है मेरा। अच्छा नुसरत आपा, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से हमने कॉल से ली, लेकिन राफे और जमीर को आप खुद शुक्रिया कह दें क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए डोनेशन का ऐलान किया है। शुक्रिया राफे और जमीर साहब। हाँ अच्छा बेटा, मैं उन सब बच्चों को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस वक्त याद रखा है, वक्फे वक्फे से मेरी हेल्प हो रही है। यानी कि मैं सोच रही थी कि शायद मुझे अब पता चला कि मैं तो जिंदा ही हूँ, मुझे तो किसी ने भी नहीं खोया, सारे गिले शिकवे मैंने पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदा। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं किसी कंट्री में जाने की, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से मुझे सब मोहब्बत प्यार मिल गया। इसे कोई याद रख ले ये बहुत बड़ी बात है और लोगों ने आपको याद रखा है। हाँ जी नुसरत आपा, अपना एक और मंत्र हमें सुना दे जाने से पहले, ताकि लोगों में देखें। हाँ टाइम बहुत हो रहा है, एक और मंत्र सुना दे हमें। कौन सा मंत्र? ताकि लोगों को हो। अच्छा उसमें एक सीन था ना, मैं हमून से मिलने जाती हूँ रात को, तो मैं कहती हूँ हाय हाय हमून तुम कितने चांद तक के छुप छुप के ऊंची खजूर से ना भाई दादी ऊंची खजूर से हम पहले क्यों नहीं देखते ये छुप छुप के क्यों देखते वो भी ऊंची खजूर से ना ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाय 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 तोबा तोबा, बस भाई मैं क्या बताऊँ। अपना नाम कैसे लेती थी वो? हाँ जल्दी से बता दीजिए। वो तो था बिल बतोड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी सारी कौड़ी कौड़ी कौड़ी। इतनी प्यारी सी बिल बतौड़ी की लाज हमने शो की, और खुदारा हम बिल बतौड़ी को बिल्कुल मत भुलाइएगा। बिल बतौड़ी की जितनी मदद कर सक रहे हैं, हुकामे बाला से भी हमारी अपील है कि प्लीज़ 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 मियाँ साहब से हमारी अपील है कि इनको एक छत दे दें और इनका इलाज प्रॉपर करा दें। और ऐसे फनकार की हंसी कभी मान नहीं पड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अफजल साहब आपका कि आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया समा का, शुक्रिया मुझे, थैंक यू। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए आबाद रहिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। आप मेरे प्रोग्राम में आए, शुक्रिया, मुझे हमेशा से ये बहुत।